हेलो दोस्तों, फाइनली हिंदुस्तान का भाईजान और बॉलीवुड का बाप यानी कि सलमान खान लौटकर आ चुका है। तो दोस्तों, टाइगर 3 फिल्म का टीजर आज फाइनली आउट कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम टाइगर 3 फिल्म के टीजर के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कांड करने वाली है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, टाइगर 3 फिल्म का टीजर लगभग 1 मिनट 43 सेकेंड का है और इस टीजर के बारे में एक ही शब्द कहना चाहूंगा, लिटरली फाड़ डाला, क्योंकि इस 1 मिनट 43 सेकेंड का टीजर आपका पूरी तरह से दिल जीत लेगा। जहां पर इसके टीजर को देखने के बाद आपकी इस फिल्म के लिए जो एक्साइटमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। टीजर की शुरुआत होती है जब सलमान खान पूरे हिंदुस्तान को अपना मैसेज देते हैं कि उन्हें पूरा देश किस तरह से एनिमी यानी कि गद्दार मान रहा है, जहां पर वो इंडिया से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगता है। तो उसके बाद से टीजर में जितने भी एक्शन सीन दिखाए गए उन्हें देखकर ये तो समझ में आ जाता है कि को किस ग्रैंड लेवल पर शूट किया गया, यानी कि इस फिल्म को कई सारे कंट्रीज में अलग अलग ब्यूटीफुल लोकेशन पर शूट किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि इस फिल्म के बारे में बताया जा रहा है कि फिल्म में हमें पठान से भी बड़े एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं, तो फिल्म के लिए जो एक्साइटमेंट है वो मेरी तो नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। सलमान खान का लास्ट वाला डायलॉग, जिस तरह से वो उस डायलॉग को प्रेजेंट करते हैं, आपका पूरी तरह से दिल जीत लेगा। यानी कि टीजर में जितने भी एक्शन सीन दिखाए गए, जब ये फिल्म फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज होगी तब उन एक्शन सीन को आप बड़े पर्दे पर देखोगे तो आपका ये एक्शन सीन पूरी तरह से दिल जीत लेंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो टाइगर 3 का टीजर पूरी तरह से आगे, और जब ये फिल्म रिलीज होगी तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ाने वाली है। तो दोस्तों, यहां पर टाइगर 3 के टीजर में हमें वो सब देखने को मिलता है, यहां पर कमाल का बैकग्राउंड स्कोर है, सलमान खान का स्वैग है और बड़े बड़े एक्शन सीन दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, वैसे आपकी इस फिल्म को लेकर क्या प्रेडिक्शन है आप हमें कमेंट में जरूर बताना। लेकिन दोस्तों, ये YRF स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है, क्योंकि एकता टाइगर, टाइगर जिंदा है, पठान और वार के बाद ये YRF स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है, जो साथ ही सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइज का तीसरा इंस्टॉलमेंट होने वाली है, क्योंकि एकता टाइगर, टाइगर जिंदा है के बाद टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइज का तीसरा इंस्टॉलमेंट होने वाली है, जिसे मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ फिर से दिखाई देने वाली, साथ ही इस बार विलन के अवतार में इमरान हाशमी दिखाई देने वाले हैं, जो आपका पूरी तरह से दिल जीत लेंगे। और दोस्तों, साथ ही इस फिल्म में पठान यानी कि शाहरुख खान भी कैमियो अपीयरेंस में नजर आने वाले, और जब सलमान और शाहरुख बड़े पर्दे पर आएंगे तो पूरा सिनेमाघर स्टेडियम में बदल जाएगा। तो दोस्तों, फाइनली इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो जिस तरह से फिल्म का टीजर यहां पर निकाला गया है, उसे देखने के बाद लोगों की जो अभी इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ाने वाली है। तो दोस्तों, इस फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर हम कम से भी कम देखें तो यहां पर 50 से 60 करोड़ रुपए की तो ये फिल्म किसी भी हालत में ओपनिंग लेने वाली है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म भी पठान और जवान की तरह ही 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस बिजनेस करने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा? क्या ये फिल्म 1000 करोड़ कमाएगी या फिर 1500 करोड़? आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और आप सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, जो इसी साल की दिवाली पर रिलीज होने वाली? और वैसे आपने टाइगर 3 फिल्म का टीजर देखा तो इस टीजर में आपको क्या देखकर सबसे ज्यादा मजा आया? क्या वो सलमान खान का स्वैग है, या फिर इस टीजर का बैकग्राउंड स्कोर है, या फिर एक्शन सीन? कौन सी चीज इस टीजर में आपको सबसे बढ़िया लगी? साथ ही आप सलमान खान के डाई हार्ड फैन है तो उनके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।